नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज गायत्री परिवार ने एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजित किया। झाझा के शिवनंदना झा टाउन हॉल में आज तमाम गायत्री परिवार के सदस्यों ने एक तरह से सम्मेलन किया। पटना से चलकर आए हुए वक्ताओं ने तमाम लोगों को, खास करके युवाओं को फोकस करते हुए कहा, आप लोग भारत के भविष्य है और आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रेन पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जिस तरह से तमाम लोगों ने कहा कि आप युवाओं के कंधे पे भारत देश का भविष्य है, ऐसे में तमाम युवाओं को अपने दायित्व निर्वहन की अपील की। कार्यक्रम में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें समाज को देने वाली एक से एक प्रेरणादायक कार्यक्रम भी दिखाया गया। देखिएगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। चल इस तरह के कार्यक्रम से जुड़कर अपने आप को पॉजिटिव बनाएगा और गायत्री महामंत्र जो है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देह स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अगर मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित होती है तो राजा दशरथ का पुत्र खाली पैर जाते हैं और भगवान राम बनते हैं। दुर्बुद्धि में प्रेरित होता है तो इतना महाबली लंका के महल में रहने वाला रावण बन जाता है। बुद्धि से बुद्धि में प्रेरित होती है तो रत्नाकर जैसा डाकू वाल्मीकि बन जाते हैं। तो अगर इन युवाओं की बुद्धि से बुद्धि में प्रेरित होगी तो किसान का बेटा भी पदाधिकारी बन जाता है। किसान रंजन अंतिम युवा को कुछ घटना हुआ तो क्या कुछ हो रहा है? ये हमारा यूथ का जागरण का अभियान चल रहा है। मूल रूप से हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि युवा के अंदर एक सकारात्मक विचार कैसे आए और वो अपने आप को निगेटिविटी से दूर करके अपने पढ़ाई लिखाई, अपने कैरियर को बढ़िया कैसे बनाए और नशा और अन्य कुरीतियों से वो अपने आप को कैसे मुक्त कर सके, इस पर गायत्री परिवार युवा को अपना एक अभियान चला रहा है। गायत्री परिवार का हमें मेन उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम अच्छे बने, नेक बने, अच्छे बने और अपने कर्म को सही तरीके से हम करें। आपने तमाम युवाओं को अपील किया गायत्री मंत्र का जाप करें, तो गायत्री मंत्र क्या है? हमने अपने युवाओं को ये कहा है गायत्री मंत्र का जप करें। इसके लिए एम्स में अभी जो रिसर्च हुआ है वो रिसर्च में ये कहा गया है कि गायत्री मंत्र के जो वाइब्रेशन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो उसके लाभ जो है हमारे माइंड को सकारात्मक दिशा में ले चलने के लिए करता है। इसलिए हमने कहा कि आप इसका प्रयोग करो और अपने बुद्धि और विवेक को सही दिशा की ओर ले जाओ। जी, गायत्री मंत्र को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस चैनल के माध्यम से हमारी बहुत बहुत शुभकामना। मिला पढ़ाई अच्छे से करना और लक्ष्य में फिर से पढ़ाई करना और लक्ष्य में जो भी चीज चाहे युवा वो कर सकता है। तमाम युवाओं को प्रेरित किया गया, तमाम युवा दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हमारे भारत में, तमाम युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और लक्ष्य लेकर पढ़े और आगे बढ़े। भारत की असली शक्ति मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का आधार युवा शक्ति है और युवा शक्ति आज तमाम खतरे से सबसे बड़ा योगदान दे रही है। अस्मिता का जो बाजार चल रहा था, ये टाटा का चौदह साल के बच्चे को देखना मना है, लेकिन मोबाइल रूपी जा रहे युवा के मस्तिष्क को नष्ट कर रहा है। ये सब यूं कर रहा है, अस्मिता स्तर जो उसका मनोबल लगातार गिर रहा है। क्या लगता है युवाओं को नहीं, इसको हम लोग सकारात्मक किसान वैज्ञानिक अभ्यास मार्ग से लेकर उनके मस्तिष्क के लेवल को गायत्री मंत्र और ध्यान के द्वारा एक गायत्री महामंत्र भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर है, इसमें 24 अक्षर है। एक बार रिंग करते हैं तो सूर्य के 110,000 स्पंदन उत्पन्न होता है। गायत्री मंत्र का उद्देश्य प्रारंभ में किया गया है और वह दस दिशा में गुंजित है। झारखंड से सुरेश कुमार। इस कार्यक्रम में तमाम युवाओं को आज की युवा कार्यक्रम में बहुत ही आनंददायक और
ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहा, ये गायत्री शक्ति है जिसके द्वारा इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है और ध्वजा के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा अगर इससे कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं, लोग आगे बढ़ेंगे, युवा आगे बढ़ेंगे, उन्हें ज्ञान वर्धन मिलेगा और आगे अपने कार्यक्रम को करते हुए आगे के पद पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको सफलता चाहिए सही में, आप चाहते हो, आपका फिगर माइंड के बल पर, तो ये माइंड को शक्तिशाली बनाने का सबसे सुपर मेडिसिन का नाम है गायन। जानकारी प्राप्त कर लो मेरे बारे में, अपने बारे में मैं इस भाव से नहीं, अहंकार बस नहीं कह रहा हूं, मेरे बारे में आप पता लगा लीजिए। जब चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी से मिलते, गवर्नर हमारे यहाँ आते जाते हैं, गायत्री परिवार में बड़े बड़े आईएएस आईपीएस इनकम टैक्स के कमिश्नर, कई जगहों पर मैं क्लास लेने जाता हूँ और हमने नजदीक से, जैसे मैं इनकी बताता हूँ कि ये पढ़ने वाला लड़का है कि नहीं है, ये कुछ रियल में करेगा कि नहीं करेगा, झोला लेके घूम रहा है। आज इन्हीं बिंदुओं पर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कितना देगा 20 मिनट, सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे के भीतर, कितना से कितना, कितना समय से हमारा मूड फ्रेश होता है और फ्रेश मूड से कोई काम किया जाए तो प्रभावशाली होता है। आप बिना स्नान के भी कर सकते हैं लेकिन स्नान करने से ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप कर लेना। आप कितना से कितना बजे सुबह जग जाइए, स्नान कर लीजिए, जिस बेड पर आप रात्रि में सोते हो उसी बेड पर पलथी मार के बैठ जाओ, पलथी मारने आता है ना, आराम से, शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड से प्राण शक्ति का संचार होता है, मस्तिष्क को ऊर्जा मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की, इसको सीधा रखने से किसको ऊर्जा मिलता है, पैर धो,